हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको पोटली बैग बनाना बताने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक सैटिन का कपड़ा, जिसकी लंबाई मैंने रखी है 12 इंच की, और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पे 19 इंचेस की रखी है। 18 इंच मेरा रेडी रहेगा। इसके साथ में मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन में लिया है, और इसी के साथ में मैंने यहाँ पे एक और कॉटन का लाइनिंग लिया हुआ है। ये मेरा थिक फैब्रिक की है, तो इसकी जो लंबाई है वो मैंने रखी है 8 इंच की, और चौड़ाई इसकी सेम रहेगी। तो सबसे पहले देखिए, इस तरह से हमें एक साइड से दोनों ही पीसेस को जोड़ते हुए एक सिलाई लगानी है। सैटिन को सीधी तरफ रखना है, और उसके ऊपर हमें इस तरह से जो लाइनिंग का कपड़ा है उसे रखते हुए सिलाई लगानी है। और अब ये देखिए, इस तरह से आड़े में हमें रखते हुए एक और सिलाई लगानी है। इस तरह से पूरी लंबाई में हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी सिलाई लग चुकी है, और अब हम इसको सीधी तरफ मोड़ेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको लाइनिंग की तरफ से ही इसको सीधी तरफ मोड़ के लिया है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर की तरफ हमारा जो सैटिन है एक साइड में आया है। और ये देखिए, साइड्स को ठीक से पकड़ते हुए पूरी गोलाई में एक सिलाई लगा के लेनी है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारे यहाँ पर सिलाई लग चुकी है, और अब हमने इसको सीधी तरफ मोड़ के लिया है। तो इसको इस तरह से सीधी तरफ मोड़ने के बाद में हम यहाँ पे ऊपर में जो सैटिन का लाइन आया है वहाँ से हमें एक सिलाई लगानी है, और वहाँ से आधे इंच के डिस्टेंस में एक और सिलाई लगा के लेनी है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारे यहाँ पे दोनों सिलाइयाँ लग चुकी है। एक हमने ऊपर सैटिन का यहाँ पे किनारे में लगाया है अंदर की साइड से, और दूसरी मैंने वहाँ से नीचे आधे इंच पर ली है। अब हमने बैक को फिर से उल्टा मोड़ के लिया है, और यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से एक सैटिन का मैंने सर्कल लिया है। सैटिन है और उसके साथ में लाइनिंग का भी है, तो दोनों ही पीसेस को मिलाते हुए मैंने यहाँ पे सर्कल को रेडी करके लिया है। अब इसको तो ये देखिए, इस तरह से हमें नीचे की तरफ रखना है, और उसके ऊपर ये देखिए, इस तरह से बैक को पकड़ते हुए आधे इंच के मार्जिन में पूरी गोलाई में हमें सिलाई लगा के लेनी है। तो ये देखिए, इस तरह से सीधी से पकड़ते हुए हमें पूरी गोलाई में सिलाई लगाते हुए जाना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी सिलाई लग चुकी है। पूरी गोलाई में हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है, और अब हम इसको सीधी तरफ मोड़ के ले रहे हैं। तो ये देखिए, इस तरह से जो हमारा पोटली बैग है ये ऑलमोस्ट शेप में आप देख सकते हैं बॉटम में पूरी गोलाई में अच्छे से आया हुआ है। तो यहाँ पे साइड में एजेस को हमें ठीक से खींचते हुए इसको सीधा करके लेना है। अब इसके बाद में ये जो बैग है इसे हम, ये देखिए, जो हमने साइड में यहाँ पे जॉइंट लिया था वहाँ से हमें ठीक से पकड़ना है। देखिए, इस तरह से ठीक से खींच के पकड़ना है। इस तरह से पकड़ते हुए हमने यहाँ पे जो आधा इंच का मार्जिन रखा है वहाँ पर हमें साइड में होल्स करने हैं, दो इस तरफ करने हैं फ्रंट और बैक में। उसी तरह से दूसरे साइड में भी फ्रंट और बैक में हमें दो होल्स लगाने हैं। तो ये देखिए, इस तरह से दो सिलाई के बीच में हमने यहाँ पर होल्स को लगा के लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक तरफ से हमने ये देखिए, इस तरह से डोरी को अंदर भी डाला हुआ है। तो इसी तरह से हमें दूसरी साइड में भी डोरी को डालना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर डोरी ली है, और हेयर पिन के मदद से हम इसको जो हमने होल बनाया है उसके अंदर से पास करते हुए दूसरे होल से बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने दूसरी तरफ से इसको बाहर निकाल के लिया है, और इस तरह से दोनों ही डोरी हमने यहाँ पे फ्रंट साइड में और बैक साइड में दोनों तरफ से डाल के लिए हैं। अब इसमें हमने जो डोरी ली है इसमें हम यहाँ पे लटकन बनाएंगे। तो लटकन बनाने के लिए ये देखिए, हमने इस तरह से स्क्वायर नेट का पीस लिया हुआ है, और ये जो नेट पीस है इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर ये देखिए, डोरी में इस तरह से पकड़ते हुए एक सिलाई लगाते हुए चारों ही पीसेस में हमें इसी तरह से करके लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे इसमें लटकन बना के रेडी करके लिया है। इसमें हमने मोती का भी यूज़ किया है। अब ये देखिए, इस तरह से हमें यहाँ पे गार्ड डाल के लेना है। इस तरह से दोनों ही साइड में गार्ड डालते हुए हमें
गार्ड को हम जिस तरह से प्रेस करते हुए जाएंगे, तो ये देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ जो हमारा बैग है इस तरह से बंद हो जाएगा। और अब हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर की तरफ से एक मोती की माला लगा के लेंगे जिससे हम इसे हाथ में डाल सकेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें यहाँ पे मोतियों की एक माला लगा के ली है। इससे जो बैग है इसको हम ये देखिए हाथ में डालकर ले सकते हैं। और इसके ऊपर साथ ही में मैंने यहाँ पे पैचवर्क किया है, जो वाइट कलर के मेरे पास दो पैचेस अवेलेबल थे तो उनको डालते हुए मैंने इसको यहाँ पे डेकोरेट करके लिया है। और इस तरह से जो हमारा पोटली बैग है वो बन के तैयार है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही में जो साइड में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें जिससे आपको हमारे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।